नमस्कार, रात के 8:50 हुए हैं। दिन भर जिले और क्षेत्र भर में क्या हुआ, आइए नजर डालते हैं इस बुलेटिन के माध्यम से। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। आइए नजर डाल लेते हैं आज की इस खास खबर पर। आज की पहली खबर है, मध्य प्रदेश संविदा संयुक्त संघर्ष मंच अब पंडाल लगाकर कलेक्ट्रेट के बाहर अब धरने पर बैठा हुआ है। मध्य प्रदेश संविदा संयुक्त संघर्ष मंच के माध्यम से पंडाल लगाकर मध्य प्रदेश शासन अंतर्गत विभिन्न विभागों में कार्य करने वाले संविदा सेवक अब पंडाल के नीचे अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि नियमितीकरण किया जाए और जो निष्कासित किए गए हैं, बहाल किए गए हैं, उनको पुनः वापस लेकर के इनको नियमितीकरण किया जाए। पंडाल के नीचे बैठे हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल में संविदा सेवकों की मांग है कि यदि जब तक मांग को पूरा नहीं किया गया तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे रहेंगे और अपनी मांगों का विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारी मांग ये है कि संविदा के जो लोग हमारे हटाए गए हैं उनको वापस लिया जाए, उनको नियमित किया जाए और समान के वेतन और समान कार्य का समान वेतन। लगभग कितने ऐसे लोग हैं आप जिले में? जिले में हमारे कम से कम 3,000 से 4,000 साथी हैं। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। आइए नजर डाल लेते हैं आज की इस खास खबर पर। इन दिनों नवरात्रि का पर्व चल रहा है और नवरात्रि के पर्व को लेकर जगह जगह पर पूजा अर्चना और कन्या भोज का आयोजन रखा गया है। तो वहीं छतरपुर के काली माता मंदिर, जो कि छतरपुर बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पर कन्या भोज का आयोजन रखा गया जिसमें श्रद्धालुओं सहित शहर के लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये हर 6 महीना में भंडारा होता है, सप्तमी के दिन भंडारा होता है कन्या भोज। ये हमा की काली देवी है, यहाँ पर लाखों के तादाद में श्रद्धालु आते हैं। ये हमा की काली देवी है, ये भंडारा होता है, यहाँ पूजन होता है, यहाँ श्रद्धालु आते हैं। हम लोग हर वर्ष यहाँ आते हैं जो है और भंडारे में सहयोग करते हैं और करवाते हैं गाड़ी जी की सहयोग। ये विगत वर्षों की तरह से आज साल भी जो होगा आगे भी होता रहेगा हमारे के बाहर। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूँ विनोद मिश्रा। आइए नजर डाल लेते हैं आज की इस खास खबर पर। यह खबर आई है बिजावर क्षेत्र की। बिजावर क्षेत्र में पहली बार 51 मीटर कपड़े की चुनरी यात्रा का कार्यक्रम रखा गया और यह चुनरी यात्रा पूर्व सांसद जितेंद्र सिंह बुंदेला, कांग्रेस नेता राजेश बबलू शुक्ला और जटाशंकर ट्रस्ट के माध्यम से यह कार्यक्रम रखा गया है जिसमें लोगों ने और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हम आपको बता दें कि बिजावर क्षेत्र में यह पहली बार 51 मीटर की चुनरी यात्रा निकाली गई। यह चुनरी यात्रा नगर के अनेकों स्थान से होकर निकाली गई है। बिजावर के इतिहास में पहली बार बड़ी देवी मंदिर से 51 मीटर की चुनरी यात्रा निकाली गई है जिसमें पूर्व से पहले इसे तैयारी की गई थी और ऐसा नवदुर्गा उत्सव अभी चल रहा है तो खास तौर से बिजावर के सभी धर्म प्रेमियों की इच्छा थी कि चुनरी यात्रा हर जगह की तरह यहाँ भी निकाली जाए और इस यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए हैं। मैं सभी का धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूँ विनोद मिश्रा। आइए नजर डाल लेते हैं आज की इस खास खबर पर। यह खबर आई है बड़ा मलारा क्षेत्र के भगवान अंतर्गत आने वाले गुहारा चौकी की। महिला का नाम शोभा पाल बताया जा रहा है। महिला ने आरोप लगाया है कि ससुर से जबरन कुछ लोगों ने रजिस्ट्री करवा ली है। महिला ने पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए आवेदन में लिखा है कि 22/3/2018 को करीब 10 बजे उसके ससुर भैयन पाल से जबरन रजिस्ट्री करवा ली है जिस संबंध की शिकायत कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से की गई है। साहब हमारे ससुर हम बैठा के ले गए हैं 10 बजे आप कह दिया है हमने और मनोज खटी के राजेश राजा राम और क्यों किया मनीष रजिस्ट्री जमीन के बारे में रजिस्ट्री करा ली है जो किसी अन्य था मैंने साम लगी तो समय कहाँ है बोलो घर पर हुए हैं वापस ससुर साहब गए वहाँ से हते में लस पाए गए 95 साल की हते से ।
नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम सोनी और चलिए दिखाते हैं आपको इस बुलेटिन में खबर, जहां पर शहीद दिवस के रूप में परशुराम सेना द्वारा श्रद्धांजलि देते हुए शहीदों को याद किया गया। परशुराम सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा छत्रसाल चौक पहुंचकर शहीद दिवस के रूप में शहीदों को याद किया और उनके लिए कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी, जिस पर शहीदों की वीरता को याद करते हुए शहीदों के द्वारा देश के लिए दी गई कुर्बानी के बाद समाज के सभी वर्गों के लिए भी देश हित के लिए काम करना भी बताया। आज हम लोगों ने हमारे भारत में जो शहीदों के रूप में 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और उसका उद्देश्य भारत माता के लिए अपनी जान देकर कुर्बान हुए वीर शहीदों के लिए सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन्हीं लोगों के लिए इनकी याद में हम लोगों ने आज श्रद्धांजलि याद के लिए शहीदों का और अपने देश के लिए जान दी थी, उसी में हम लोगों ने आज 2 मिनट का मौन धारण करके श्रद्धांजलि अर्पित की। और आइए दिखाते हैं आपको इस बुलेटिन में दूसरी खबर, जो कि छतरपुर शहर से ही है, जहां पर पुलिस लाइन में पुलिस द्वारा जनसंवाद रखा गया, जिसमें महिलाओं के उत्पीड़न और आपराधिक विवादों को निपटने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाएं मुख्यतः इस रूप में शामिल रही। शहर के कंट्रोल रूम में आयोजित पुलिस जनसंवाद कार्यक्रम में महिलाओं अपराधों से जुड़े विषयों पर शहर के लोगों से चर्चाएं की गईं, जिसपे कुछ महिलाओं द्वारा सवाल जवाब किए गए, जिस पर SP विनीत खन्ना ने कहा कि छतरपुर पुलिस छात्र छात्राओं को पुलिस भर्ती के लिए ट्रेनिंग देगी, जिसके साथ में महिलाओं के उत्पीड़न व उनके रवैये के साथ उन पर पूरा जोर दिया जाएगा, जिससे महिलाएँ सजग और सुनिश्चित हो सकें। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है और मैं हूं शुभम सोनी और चलिए दिखाते हैं आपको इस बुलेटिन की खबर, जहां पर पूरे शहर को राम भक्त के साथ साथ पूरा अयोध्या नगरी बना दिया गया है। वहीं पर शहर के मुख्य चौराहे पर राम दरबार सजा हुआ है, जहां पर श्रद्धालुओं द्वारा भजन संध्या के साथ महाआरती का आयोजन किया गया। छतरपुर शहर के चौक बाजार में सजे भव्य राम दरबार में शाम को महिलाएं दरबार में शामिल हुईं, जहां पर भगवान श्री राम के चरणों में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर धर्म प्रेमियों ने हिस्सा लिया व नवरात्रि के चलते भजन संध्या में उत्साह भी नजर आया। इस भजन संध्या के बाद श्री राम की संगीतमय महाआरती भी की गई, जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं ने धर्म लाभ अर्जित किया। और उसी दिन से जो है हम श्री राम सेवा समिति है, उस दिन से प्रार्थना जो है और अपने यहाँ भी रहा है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूँ शुभम सोनी। 25 मार्च को श्री राम नवमी के अवसर पर निकाली जाने वाली शहर में शोभा यात्रा के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं शहर में की गई हैं, इससे निपटने के लिए पुलिस प्रशासन सड़कों पर आया, जहां पर पैदल मार्च करके पूरी व्यवस्थाओं को देखा गया। रामनवमी शोभा यात्रा की चाक चौबंद व्यवस्था को देखने के लिए, यात्रा को पूर्ण शांति रूप से निपटने हेतु व्यवस्थाओं को देखने के लिए प्रशासन और पुलिस द्वारा आज शहर के गल्ला मंडी स्थित रामचरितमानस से छत्रसाल चौराहे तक पैदल मार्च निकाला गया, जिसमें निकलने वाली शोभा यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से निकालने हेतु सफल करने की बात प्रशासन द्वारा की गई। इस पूरी शोभा यात्रा में भारी पुलिस बल यात्रा के साथ चलेगा, जिसमें शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर गड़ी रहेगी। इस पूरे पैदल मार्च में कलेक्टर रमेश भंडारी के साथ SP विनीत खन्ना, ASP जयराज कुबेर, CSP राकेश शंखवार के साथ तीनों थाने के प्रभारियों के साथ भारी पुलिस बल तैनात रहा।
नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। सबसे पहले खबर लव कुश नगर की। 5,000 के इनामी हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर उसे गिरफ्तार किया गया। बीते 16 जनवरी को रात 9 बजे आरोपी अंत्योदय उर्फ आशु त्रिपाठी ने पुरानी रंजिश को लेकर जान से मारने की नीयत से खड्डी निवासी नरेंद्र शर्मा, राजबहादुर विश्वकर्मा, घसीटा तिवारी पर अपने चार पहिया वाहन से टक्कर मारकर भाग निकला था। घटना के दो दिन बाद राजबहादुर विश्वकर्मा की मौत हो गई थी। घटना के बाद से आरोपी फरार था। पुलिस अधीक्षक विनीत खन्ना ने 3 फरवरी को आरोपी को पकड़ने के लिए 5,000 का इनाम घोषित किया था। मुखबिर की सूचना पर गोयरा थाने के कंदेला गांव से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और शनिवार को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। ये दिनांक 16 जनवरी की रात्रि की घटना है। ये आरोपी राजबहादुर विश्वकर्मा, ये आरोपी आशु उर्फ अंत्योदय, ये अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से मृतक राज बहादुर और उनके दो साथियों के ऊपर जान से मारने की नीयत से जानबूझकर जो है ना उस पर गाड़ी चढ़ाकर प्राणघातक हमला किया है, जिससे उसकी 18 तारीख को इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 5,000 का इनाम घोषित किया गया था 3 फरवरी। अगली खबर बिजावर की है। बिजावर में साक्षर भारत कार्यक्रम में शिक्षा प्रेरकों ने एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए। इस ज्ञापन में कहा गया है कि वे लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको सिर्फ 2,000 रुपये महीना मानदेय मिलता है। यानी कि इस लिहाज से देखा जाए तो 66 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनको मानदेय मिल रहा है, जो कि हर लिहाज से काफ़ी कम है। ऐसे में उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय होती जा रही है। उनका कहना है कि ये शासन की निर्धारित मजदूरी से काफ़ी कम है। विगत अप्रैल 2017 से साक्षरता प्रेरकों को मानदेय प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे काफ़ी परेशानी और आर्थिक तंगी से ये लोग गुजर रहे हैं। शिक्षा प्रेरकों ने नियमानुसार स्थायी किए जाने की अनुशंसा करने की बात भी कही। आज जो आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, उसके संबंध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन है, तो इसको सीधे मुख्यमंत्री कलेक्टर महोदय के यहाँ भेजा जाएगा। तो वहाँ से कलेक्टर महोदय सीएम साहब को भेज देंगे। और इसके संबंध में क्योंकि शासन स्तर की बात है, सहयोग के द्वारा ज्ञापन दिया गया है 4 सूत्री मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री के नाम से। हम लोगों को 11 माह से मानदेय नहीं मिला है और मानदेय मात्र 2,000 रुपये मिलता है। हम लोग अब इस तरह से परेशान हो चुके हैं कि हम लोगों को घर से निकलते तो चाय वाला हमसे पूछता भाई साहब पैसे, राशन वाला पूछता पैसे। हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। अपनी परेशानी की व्यथा हम जगह जगह बता रहे हैं आला अधिकारियों को, कर्मचारियों को, लेकिन हमारी कोई व्यथा सुनने को तैयार नहीं। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। देश भर के तमाम किसान संगठनों द्वारा पूरे देश में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ये प्रदर्शन MSP को लेकर है। इसे MSP सत्याग्रह का नाम दिया है। MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सेलिंग प्राइस को लेकर ये आंदोलन किसान संगठनों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें सभी किसान संगठन एक साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान संगठनों का आरोप है कि वित्त मंत्री द्वारा MSP घोषित की गई थी, लेकिन बजट में इसका प्रावधान नहीं किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में जो चना 4,400 रुपये के हिसाब से खरीदा जाना चाहिए, वो 800 से 1,000 रुपये तक में खरीदा जा रहा है, जो किसानों के साथ किसानों की पीठ में खंजर भोंकने जैसा है। MSP सत्याग्रह 27 मार्च को चंदला में, इसके बाद 28 को रीवा, 29 को होशंगाबाद और 30 को मंदसौर में होगा। इसके पूर्व भी ये सत्याग्रह लगातार चला रहा है। सत्याग्रह में स्वराज अभियान, अखिल भारतीय किसान सभा, किसान संघर्ष समिति, विचार मध्य प्रदेश और नर्मदांचल जनजागरण मंच के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है, जिसमें योगेंद्र यादव, जसविंदर सिंह, गिरजा शंकर शर्मा, श्री विनायक, इंद्रजीत और डॉक्टर सुनीलम सहित अन्य नेताओं के तत्वावधान में संपन्न होगा। नीलांचल प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र शौबे अस्पताल के पास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें इस बात की जानकारी दी गई। देखिए, हम लोग सरकार तक एक बात भेज रहे हैं कि अभी जो आप देखेंगे, बजट देखेंगे तो बजट में आंशिक लागत के आधार पर हमारे वित्त मंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि हमने दे दिया है,
और वास्तव में उनने पूर्ण लागत के आधार पर दिया नहीं है, क्योंकि अगर दिया होता तो 32,000 करोड़ बजट में बढ़ जाता। तो हम ऐसी कई चीजें देख रहे हैं सरकार की जो उनकी फॉल्स घोषणाएं हैं, जो हम किसान तक ले जाके किसान पंचायत बिठा के किसान को जागृत करना चाहते हैं कि भैया सरकार ऐसा कर रही है। और इस बात को हम अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी ले जा रहे हैं। अभी कल उन्होंने एक अच्छा कदम भी उठाया है कि यहाँ की 3 फसलों को सरसों मसूर और चना कुछ पूरा समर्थन मूल्य देने की घोषणा की, और उसके लिए मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र भी हैं। जिला न्यायालय परिसर में जिला अधिवक्ता कार्यालय का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में अधिवक्ता और अतिथियों ने भाग लिया। जिला अधिवक्ता संघ कार्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम में जिला सत्र न्यायाधीश आर के श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय श्री देवनारायण मिश्रा, विशेष न्यायाधीश श्री जितेंद्र शर्मा सहित अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर श्री शिवेंद्र उपाध्याय उपस्थित रहे। वहीं इस मौके पर कलेक्टर रमेश भंडारी और पुलिस अधीक्षक विनीत खन्ना भी उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राकेश कुमार दीक्षित ने की। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान किया गया, साथ ही साथ आए हुए अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। बार रूम का लोकार्पण कार्यक्रम था, जिसमें हमारे स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष सम्मानीय शिवेंद्र उपाध्याय जी मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे, और हमारे संरक्षक के रूप में जिला अधिवक्ता संघ जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय और सभी अतिथिगण उपस्थित हुए, जिसमें लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ। जेड सीट बिल्डिंग पड़ी हुई थी, जब मैं चुनाव लड़ा था अगले 2016 में, उस समय की स्थिति ये थी कि यहाँ लकड़ी लगी हुई थी, लकड़ी के सहारे जीपें लटकी हुई थी। हमने अपने प्रयास से, डीजे साहब के प्रयास से और माननीय कलेक्टर महोदय के प्रयास से बहुत ही अच्छी बिल्डिंग का पुनर्निर्माण कराया है, जीर्णोद्धार कराया है, जो आज सामने दिखाई दे रही है, जिसका लोकार्पण था। और हमारे जो 40 वर्ष पूर्ण कर चुके सम्मानीय अधिवक्ता हैं, जिन्होंने 40 साल न्यायदान किया, अपना पूरा जीवन अर्पित किया, उनका हम सभी अधिवक्ता संघ के सदस्यों ने, कार्यकारिणी के सदस्यों ने और सभी अधिवक्तागणों ने उनका सम्मान किया है। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। रविवार को रामनवमी का पर्व है और इसके लिए छतरपुर में बड़े पैमाने पर तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। इन तैयारियों के मद्देनजर हमने लोगों से बातचीत की और जाना कि आखिरकार किस तरीके से इस पूरे चल समारोह को, शोभा यात्रा को भव्य बनाया जाएगा। प्रताप नवयुवक संघ ने 1008 दीपक की बाहर से आरती मंगाई हुई है, जिसको जगह जगह महाआरती की जाएगी और साथ में बुंदेली वीरांगनाएं निकलेंगी, जो मतलब बुंदेली वेशभूषा के साथ साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित रहेंगी और बुंदेली नृत्य करते हुए 50 युवक युवतियों की एक समूह निकलेगा। बाहर से अखाड़े भी आए हुए हैं, स्थानीय लोग भी अखाड़े में हैं, वो अपने मतलब प्रदर्शन करेंगे अखाड़े का। शोभा यात्रा का रूप बहुत भव्य विशाल रहेगा। सर्वप्रथम यहाँ रामलीला मैदान में जो यहाँ रामलीला का मंचन करते हैं, राम जन्म मनाया जाएगा। 12:10 पर राम जन्म हो जाएगा। तत्पश्चात श्री राम सेवा समिति का शोभा यात्रा का प्रारंभ किया जाएगा। इस बार दिव्य रथ बहुत ही आकर्षक रूप रहेगा, यहाँ उसको सजाने के लिए बाहर से लोग आए, कारीगर बुलाया गया है और खरिया जी भी उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ से स्टार्टिंग जब होगी तो दिव्य रथ के पहले काफ़ी झांकियाँ रहेंगी, कम से कम इसमें इस बार 20-25 झांकियों का आने का उम्मीद है और तैयारी की गई है। कम से कम 8-10 डीजे रहेंगे, 21 घोड़े जो उसमें हमारे धर्म ध्वज लेके चलेंगे वो रहेंगे, तत्पश्चात पीछे झांकियाँ रहेंगी। रामरथ विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। अगर नगर में सभी समाजों का प्रतिनिधित्व रहेगा और सामाजिक समरसता दिखाई देगी इस बार शोभा यात्रा में, और सभी समाजों का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम देखने को मिलेगा। 20-25 झांकियां भी निकलेगी इसमें, सभी संगठनों का भी सहयोग मिलेगा इसमें, मातृशक्ति का भी सहयोग रहेगा, अखाड़ा भी रहेगा इसमें। और इस वर्ष थोड़ा सा अलग हटके रथ की आपको भव्यता देखने मिलेगी। फूलों से जो फूल मुंबई और दिल्ली से मंगाए गए हैं और इन फूलों से रथ को सजाया गया है, और जैसा कि हम आप सभी से बताना चाहते हैं कि जो लोग दर्शनार्थी होते हैं, शोभा यात्रा को देखते हैं पूरे भक्तिभाव से, तो उनका ये केंद्र बिंदु होता है कि अब रथ आने वाला है।
और रथ आते ही उनके मन में एक अलग ही अनुभूति होती है। रथ को आकर्षक देख के उनको बहुत प्रसन्नता होती है कि इस वर्ष का रथ बहुत अच्छा सजा है। तो हम लोगों का प्रयास इस वर्ष यही है कि अच्छी भव्यता के साथ इस वर्ष रथ की दिव्यता आपको सभी को देखने मिलेगी। LIC के अधिकारी और कर्मचारी संगठन द्वारा गेट मीटिंग करके उच्च अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की गई और अपनी मांगों के समर्थन में 28 तारीख को एक अन्य 2 घंटे की हड़ताल का आह्वान किया है। उनका कहना है कि कार्यालयीन समय में सोमवार से शुक्रवार तक किया जाए। इसके अलावा अन्य मांगे भी हैं जिनको लेकर वे पिछले कई समय से प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन उनकी मांगें अभी तक नहीं मांगी गई। यहाँ पे वेतन वार्ता और पुराने लंबित मुद्दों पे लेकर के प्रबंधन के साथ और सरकार के साथ ये विरोध प्रदर्शन है, जो हमारी मांगें अभी तक सुनी नहीं जा रही हैं। 1 अगस्त 2017 को हमारा वेतन पुनर्निर्धारण भी हो चुका है, लेकिन आज दिनांक तक उस पर कोई अभी चर्चा शुरू नहीं की गई है। 5 दिवसीय सप्ताह के बारे में भी आज तक कोई निर्धारण नहीं कर पाए। ये क्लास 1 फेडरेशन और नेशनल फेडरेशन ऑफ क्लास 2 ऑफिसर्स डेवलपमेंट ऑफिसर तथा क्लास 3 का ऑल इंडिया एम्प्लॉइज एसोसिएशन के बैनर तले ये संयुक्त मोर्चे में कार्यक्रम निर्धारित किया। खबर दिनभर में, दिनभर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों नए अपडेट के साथ। फिलहाल नमस्कार।